शताब्दियों पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में संसार के तीन महान धर्मों का सृजन हुआ। उनके सार और प्रधान प्रवृत्तियों ने ही इन धर्मों को अनेक कठिनाइयों के बावजूद अब तक जीवित ही नहीं बल्कि आज विश्व भर में प्रचलित, प्रभावशाली और प्रतिष्ठित रखा है। हिंदू, बौद्ध, जैन तीन गौरवशाली धर्म एक दूसरे से मिले जुले फिर भी अपनी अलग पहचान लिए। हिंदुत्व इन तीनों धर्मों में सबसे पुरातन सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है अनादिविधि। ये एक जीवन शैली की तरफ संकेत करता है, न कि किसी रूढ़िवादी नियमबद्ध धर्म पर। समय के बीतते हिंदू धर्म काफी पेचीदा होता गया, अनेक दार्शनिक शाखाओं में बट गया, पर इसके स्थिर और स्थायी सिद्धांत नहीं बदले। इसके अंतर्गत है धर्म, संसार, कर्म और मोक्ष, सांसारिक जीवन से मुक्ति पाने के ये साधन। इसमें आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर मनुष्य को विविध योग, मार्ग, अभ्यास निर्देशित हैं। आदर्श रूप से आत्मा या जीवात्मा अपनी खोज में उस अनंत आत्मा को पाता है जिसे परमात्मा कहते हैं। आधुनिक हिंदू धर्म वेदों का सारभूत है। पहले प्रकृति पूजन जीवन का एक अंश बना था। लोग इंद्र, वरुण और अग्नि की उपासना करते और सोम यज्ञ करते, वेदों मंत्रों का पठन करते, अनेक प्रकार के याग यज्ञ करते। उस समय न मंदिर थे और न ही मूर्तियां। हिंदू धर्म प्रत्येक सिद्धांत पर आधारित नहीं था। सदियों के दौरान इसकी वृद्धि हुई। अनेक आचार्य गुरुओं के आध्यात्मिक ज्ञान और उनके पांडित्य के उपार्जन के साथ साथ प्रगत होती गई। ये आध्यात्मिक शास्त्र और सत्य मौखिक ही संचारित थे। ये धार्मिक तत्व कविता रूप में संवारे गए जिसे लोग आसानी से सीख और याद रख सकें। साधारण तौर पर हिंदू शास्त्र रूपकों के माध्यम से अर्थ पुष्ट किए जाते हैं, अक्षरथ नहीं। पंडित या विद्वान गहन अर्थ व नैतिक सामग्री को खोजते हैं। हिंदू धर्म के महान त्रिमूर्ति हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये जगत सृष्टि, पालन और विनाश के प्रथम साकार स्वरूप हैं। लाक्षणिक और आध्यात्मिक रूप से ये हिंदू देव समूह के प्रथम प्रतीक हैं। हिंदू धर्म में विशाल शास्त्र और सिद्धांत निहित हैं। इनमें वेदांत, दर्शन शास्त्र, पुराण, धर्मादेश, जीवन यापन के ठीक तरीके आदि हैं। श्रुति या अपौरुषेय सत्य और स्मृति या स्मरण रूप इन दो अंगों में ये विभाजित हैं। इन सब ग्रंथों में वेद और उपनिषद अग्रगण्य माने जाते हैं। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में अंतर्निहित तत्वों से ही ये उभरा, पर हिंदू धर्म की कुछ रूढ़िवादी पद्धतियों और नीतियों को हटाकर बौद्ध मत एक सफल नए धर्म के रूप में ऊपर उठा और भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अन्य देशों तक भी पहुंचा। जिन्होंने निर्वाण प्राप्ति की थी और जो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध और पूजित हुए, उनके उपदेशों पर आधारित बौद्ध धर्म व्यावहारिक रूप से जीव मात्र के लिए दुख से मुक्ति मार्ग का प्रदर्शन करता है। सिद्धार्थ के जीवन की कहानी से ही हम बौद्ध धर्म के विचारों का निरीक्षण कर सकते हैं। राजकुल में जन्मे ऐशो आराम की जिंदगी थी, परंतु एक रोगी, एक वृद्ध और एक मृतक को देख, अंततः एक तेजस्वी सन्यासी के तृप्त जीवन को देख, अपना सब कुछ त्याग उस सुरक्षित महल से निकल पड़े। अपने समृद्ध जीवन के बीच इन दृश्यों को देख उनका मन क्षोभ से भर गया। घर परिवार छोड़ एक सन्यास जीवन अपना लिया। अपने लक्ष्य तक पहुंचने में वे कई बार असफल रहे। अंत में एक पीपल वृक्ष की छांव में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। मध्य मार्ग जिसे बुद्ध ने अपनाया और संचरित किया वह मध्यस्थ संभाव का मार्ग है। यह भोग और कठिन आत्म संयम के बीच का रास्ता है। बुद्ध अपने उपदेशों की परीक्षा कर ठीक लगे तो अपनाने का आदेश अपने शिष्यों को देते थे।
उनके धर्म का सारभूत संदेश दुख से मुक्ति और निर्वाण प्राप्ति ही थी। बुद्ध भिक्षुओं के लिए संघ ही आश्रय माना जाता है। बुद्ध ने चार महान सत्य के बारे में भी बताया, दुख का अस्तित्व, दुख का कारण जो काम होता है, दुख से मुक्ति जिसे निर्वाण कहते हैं। अंतिम सत्य वही है जो दुख से मुक्ति दिलाता है। ये मार्ग ही आठ गुना मार्ग है। इसके अंतर्गत है सच्ची वाणी, सच्चा कर्म, सच्चा परिश्रम, सच्चा प्रयत्न, सच्ची सावधानी, सच्चा ध्यान, सच्ची समझ और सच्चे विचार। बुद्ध के उपदेशों का यही सार है। पश्चात बौद्ध मत अनेक शाखाओं में बट गया और धीरे धीरे बुद्ध भगवान स्वरूप माने गए। आज के बौद्ध धर्म का प्रत्यक्ष विभाजन तीन परंपराओं से है, तेरवाड़ बौद्ध धर्म, पूर्वी आशियाई बौद्ध धर्म और तिब्बत का बुद्ध धर्म। एक औपचारिक धर्म के रूप में बढ़ता हुआ बौद्ध धर्म, जो हिंदू धर्म के कर्मकांड और आडंबर के प्रतिकार के रूप में उन्नत हुआ, इससे हिंदू धर्म को धक्का भी लगा, परंतु बौद्ध मत धीरे धीरे क्षीण होता गया। बौद्ध धर्म की महानता अन्य देशों में बनी रही। जैन धर्म। बौद्ध मत के आरंभ काल में भी जैन धर्म भारत में स्थायी रूप से स्थापित था। प्राचीन भारत के पूर्वी भाग में रहने वाले जैन धर्म के 24 गुरु थे जिन या विजित, जिनका अनुसरण जैन करते हैं। इनको तीर्थंकर भी कहते हैं। ईसा पूर्व 6 शताब्दी में महावीर इनके 24वें तीर्थंकर रहे। जैन धर्म का मूल तत्व और विश्वास है कि मनुष्य को अपनी करनी का फल तुरंत मिल जाता है। प्रथम जिन 8 लाख वर्ष पूर्व के माने जाते हैं। उन्हें महाकाय रूप में चित्रित किया गया है। अंतिम जिन वर्धमान थे। इन्हीं को महावीर कहा जाता है। महावीर, जिनका जन्म महाजनपद में हुआ, उन्होंने 13 साल के कठोर तप, निषेध और वंचित जीवन के पश्चात मुक्ति प्राप्त की। जिन उसे कहते हैं जो प्यार और घृणा, सुख और दुख, अनुराग विराग आदि द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इस प्रकार वो अपनी आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त कराता है। जैन धर्म भी काफी हद तक हिंदू और बौद्ध धर्म की तरह ही है। विश्व के धर्मों के सामने ये काफी छोटा है, फिर भी भारत में 4 लाख तक जैन धर्म के अनुयायी हैं। आज भी वे श्रमण या सन्यासी परंपरानुसार रहते हैं। जैन धर्म आध्यात्मिक स्वातंत्र और जीवन में समत्व पर जोर डालता है। अंतर्निहित सारभूत है अहिंसा। आत्मनिग्रह भी इसका मुख्य अंश है, जो मनुष्य को केवल ज्ञान तक पहुंचाती है। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित है, एक दिगंबर और दूसरे श्वेतांबर। दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते। इसका कारण है कि वस्त्र सांसारिक संपत्ति है, अतः उसे छोड़ देना ही अच्छा होगा। संपत्तियों पर स्वामित्व दुख का मूल होता है। श्वेतांबर हमेशा सफेद वस्त्र पहनते हैं। जैन धर्म के प्रमुख नियम हैं प्राणियों की जान न लेना अथवा अहिंसा, असत्य न बोलना, दान देना, आडंबर रहित जीवन बिताना, कुछ भी न चाहना, जीवन पर्यंत मोक्ष मार्ग का प्रयत्न करना। 3 महान धर्म, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म। एक ही धरती पर 3 अलग अलग विश्वास, साथ मिलकर रहते हुए भी अपनी अलग अलग पहचान लिए हुए।